करते हैं 8.2। 8.2 करने के लिए हमें सबसे पहले इस टेबल को समझना पड़ेगा। ये क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। अब इस टेबल को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर सबसे बेस्ट तरीका है इसको याद करना। याद करना कठिन जरूर रहता है, अगर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो याद करना ज्यादा बेटर होता है, मगर पहले मैं बनाना भी सिखा देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, एक साइन की टेबल याद कर लो। साइन थीटा क्या होगा? साइन जीरो होता है 0 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। देखो साइन की टेबल याद करनी पड़ेगी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ये हमें साइन की टेबल आ गई। अब एक टेबल से हम सारी की सारी बना सकते हैं। जैसे अगर हमें कॉस की बनानी, इसको पलट दो, बस ये जो 1 है इसको आगे गिन दो, √3/2 को आगे कर दो और 1/√2 का 1/√2, अब ये इधर आ जाएगा और 0 इधर चला जाएगा। तो मतलब साइन की टेबल को पलट दिया तो क्या बन गया? कॉस बन गया। अब टेन क्या होता है? साइन के डिवाइड में कॉस को रख दो, साइन के डिवाइड में कॉस को रख दो तो क्या बन जाएगा? 10। जैसे 0/1, अगर 0 के डिवाइड में 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 0। अब 1/2 के डिवाइड में क्या रख देंगे? 1/2 के डिवाइड में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा? 1/√3। तो 1/√2 / 1/√2 कितना होता है? दोनों सेम है, डिवाइड में रखेंगे तो ये कट जाएगा, और 1/√3 डिवाइड में 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा? √3। और 1 के डिवाइड में 0 आएगा तो क्या जाएगा? नॉट डिफाइन। तो ये बन गया 10 की। हमने याद तो करी थी केवल साइन की, साइन को पलट दिया यहाँ पे, इसको यहाँ, इसको यहाँ पे, ये आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बन गया कॉस, और साइन के डिवाइड में कॉस को रखा तो बन गया 10। अब इनको क्या करो, पलट दो। तो अपनी आप इनको पलटने से सारी टेबल बन जाए। कॉट है, कॉट क्या है? 0 को पलट दो, 0 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, इसको पलटेंगे तो क्या? 1/0, और जिसे ये डिवाइड में 0 आ जाए तो क्या होता है? नॉट डिफाइन। ये क्या है? 0, और 0 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होता है, इसे पलट दिया तो नीचे 0 आ जाए, तो किसी के डिवाइड में 0 होता तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। इसे क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट डिफाइन, और ये भी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। अब 1/√3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? √3। 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा, और √3 को करेंगे तो 1/√3, यानी इसे पलट देना है। जैसे √3 ये रहा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसे पलटेंगे तो क्या हो? 1/√3, ऐसे उल्टा करना है, और नॉट डिफाइन को पलटते हैं तो क्या होता है? 0। तो ये बन गई कॉट को, कॉट की टेबल। अगर 10 को पलटते हैं तो क्या होती है? कॉट की टेबल। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, जैसे 1 का उल्टा 1। √3/2 को पलटेंगे तो क्या होगा? 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2 आ गया, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। जैसे 0 है, 0 है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसे पलटते तो 1/0, और ये 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। तो ये sec का हो गया, cos का उल्टा गया, sec आ गया। अब cosec क्या होता है? sin का उल्टा। तो 0 है, तो अभी बताया मैंने 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0, यानी नॉट डिफाइन। और 30 का उल्टा क्या है? 2, और 45 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2, और इसको पलटेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा 1। टेबल को बनाने के बहुत ट्रिक होती है, मगर इन ट्रिक्स, ये ट्रिक काम आती है उनके बच्चों के लिए जिन्हें मैथ कम आती होती है। अधिकतर होशियार बच्चों के लिए टेबल याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा बताइए 1060 क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे रुको अभी कॉपी पे लिखते हैं, ये तो गलत तरीका है। अगर आपको याद है तो आप कितनी जल्दी आंसर देंगे? 1060 √3, तुरंत आंसर आ रहा है। मगर अगर बनाने को कहेंगे तो बनाने में टाइम लगाएंगे। तो बेस्ट तो यही है कि आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो ये तो एक अलग तरीका है कि आप अगर नहीं याद हो रहा तो बनाते रहने, मगर याद है तो बेस्ट है। जैसे आपसे पूछ लिया cosec 30, तो cosec 30 में एक बच्चा तो कहेगा रुको अभी बना रहा हूं, और जिसे आता होगा याद होगा तुरंत बोलेगा cosec 30 2 हो गया, cosec 30 2 हो गया। तो ये आसान है, तो होशियार बच्चों के लिए तो याद करना बेटर है। अब जो मतलब मैथ में थोड़े वीक है तो उनके लिए बनाना बेटर है, और बनाने के तो बहुत तरीके हैं। वैसे यहां तो मैंने एक ही बताया कि साइन वाली टेबल लिखो, साइन को पलट दो कॉस बन जाएगा, साइन और कॉस को डिवाइड में रखो 10 हो जाएगा, फिर इन्हें पलटते रहो, 10 का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक।
इस तरह से बन जाएगा। अब जिसे याद करना है याद करें, जिसे बनाना है टेबल बनाए, अब देख वो आपकी मर्जी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे कहा है साइन 60, तो साइन 60 करना क्या है, साइन 60 की टेबल से वैल्यू रख देनी है। जैसे साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, जैसे साइन ये रहा और 60 ये रहा रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस ये रहा और 30 ये रहा, तो कॉस के सामने 30 देखो क्या आ रहा है, रूट थ्री बाई टू। आगे आप देखते हैं साइन 30, अब साइन क्या है, देखो साइन ये रहा और 30 ये रहा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, कॉस ये रहा 60 ये रहा, तो वो भी क्या है 1/2। तो ये पहले वैल्यू पुट कर देंगे, फिर रूट थ्री से मल्टीप्लाई 3 आ गया, 2 की 2 से करेंगे 4 और 1 की 1 से करेंगे 1 और 2 की 2 से करेंगे 4। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 3 + 1/4 यानी 4/4 कितना हो गया 1। तो ये आसान था बिल्कुल, बस वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लाई करनी है। अब अगला देखते हैं 2 और 10 45। देखो जैसे टेबल याद है वो तो बहुत जल्दी कर देगा, अब जैसे नहीं याद है वो इसमें से देख ले। जैसे 10 45 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। अब cos 30 कितना होता है, cos 30 की वैल्यू रख दो रूट 3/2 का स्क्वायर। अब sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है, रूट 3/2 का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म तो सेम है तो डायरेक्ट काट दो, ये तो सेम ही है, 1 का स्क्वायर 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी 2, हो गया ये सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये cos 45 डिग्री, sec 30 और cosec 30। इसमें पहले तो टेबल से वैल्यू रखनी है, टेबल से वैल्यू रखे तो cos 45 कितना है, cos 45 की वैल्यू 1/√2। अब sec 30 की वैल्यू क्या है, sec ये रहा 30 ये रहा, sec 30 की वैल्यू 2/√3। अब cosec 30 की वैल्यू कितनी है, 2। ये क्वेश्चन बच्चों को कठिन लगता है मगर बहुत आसान है, सीधे वैल्यू रख देनी है, कुछ नहीं है, बस एलसीएम के स्टेप्स बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा एलसीएम के स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं है इसमें। 1/√2 एलसीएम लेंगे इसकी, इससे मल्टीप्लाई 2 + 2√3/√3 ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करिए 2√3/√3, इसे पलट दो, देखो 1/√2 इसे पलटेंगे √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे भी कर लो वो आपकी मर्जी है। इसमें ये आ गया हमारा, नीचे वाली टर्म को पलट दिया, आप √3 की 1 से इनटू करेंगे √3 हो जाएगा, अब 2 की 2 से करेंगे 2√2 और √2 की √3 से करेंगे 2√6 आ जाएगा, √2 की √3 से करेंगे 2√6। अब ये हमारे पास आ गया, अब हमें क्या करना है, नीचे से रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, 2 + √2 - 2√6, प्लस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड, वही रैशनलाइज करना है। अब इसकी √3 की 2 से इंटू करेंगे 2√6, अब √3 किससे करेंगे 2√18, ये हो जाएगा। √3 की 2 से करिए 6 हो गया और 6 से करी तो 18 हो गया। अब नीचे a + b, a - b का फॉर्मूला बन जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें करेंगे क्या, 2√6 का 2√6, 18 का क्या होता है, देखो 18 का रूट निकाल लो, 18 का रूट होता क्या है 3, अगर देखो 18 का अगर मैं एलसीएम से निकालू तो 2 आएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 3 वाले में, ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं आता, तो ऐसे करके रूट निकाल सकते हैं, जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2, जिसका पेयर है वो बाहर आ जाएगा, बाकी बचा हुआ अंदर, और जिसे आता है अच्छे से वो तो कर ही देंगे, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करना, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 आ गया। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा यहां पे 4 और √6 का 6, तो ये हो जाएगा 24, यहां पे ये आ गया। अब 2√6 3 की 2 से मल्टीप्लाई करें 6√2 और ये आ जाएगा माइनस का 16। आप अगर जिसे सही से आता है तो वो तो डायरेक्ट कर सकता है, बाकी मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। जैसे ऊपर से 2 कॉमा ले लिया तो बचा √6, 2 है बाहर आ गया, 6 में से 2 बाहर आ गया 3√2 और नीचे क्या आ जाएगा 16, 2 से कट गया, ये आ गया -8। 2 से अगर हम ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा -8, तो ऊपर से एक माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो 3√2,
रूट सिक्स अपॉन में माइनस एट, माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली हमारा मैक्सिमम सॉल्यूशन हो गया थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन में एट। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, बाकी आप वैल्यू रखने के बाद नीचे से रूट हट जाना चाहिए, जितने आगे तक सॉल्व कर सकते हैं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, इसमें करना क्या है, टेबल से वैल्यू रख देनी है और एलसीएम लेना है, सेम वैसे ज्यादा कठिन नहीं है। देखो टेबल से वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और कॉसेक 60 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3। अब इसमें सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन रूट 3, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 2, कॉट 45 की वैल्यू 1। अब सबसे पहले जो इसमें रूट नहीं है उन्हें एलसीएम ले लो, जैसे 1 बाय 2 और 1, 1 बाय 2 1 का एलसीएम लेना, 2 बाय 2 और 1 3 बाय 2, इसका एलसीएम आ गया 3 बाय 2 और इसमें क्या हो गया 2 अपॉन रूट 3, ये हो गया एलसीएम। अब नीचे वाले में 2 अपॉन रूट 3 सेम रहेगा, 1 बाय 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बाय 2, ये आ गया। अब इसका एलसीएम देखो कैसे लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 2 अपॉन रूट 3, 2 और रूट 3 का 2 अपॉन रूट 3, रूट 3 किससे इंटू करेंगे 3 रूट 3, 2 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब नीचे वाले में एलसीएम 2 की और रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4, रूट 3 रूट 3 से करेंगे 3 रूट 3, ये आ गया हमारे पास। देखो ये बन गया, अब 2 रूट 3 की 2 रूट 3 से कट जाएगा तो बचेगा कि हमारे पास 3 रूट 3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3 रूट 3, ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन। अब नीचे बन रहा है रूट, तो रूट रूट बन रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। रैशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से इसे रैशनलाइज करना है, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 4 माइनस 3 रूट से मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 रूट से डिवाइड, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 रूट 3 की 4 से करेंगे तो 12 रूट 3, तो 3 की 4 से करें 3 4 जाए 12, अब 3 रूट 3 के 3 रूट 3 से करते हैं तो देखो क्या होता है, 3 की 3 से करें 3 और रूट 3 से करते हैं तो 3, 3 की 3 से करने पर 9 आता है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और रूट 3 की 3 से करें 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 27। अगर 3 रूट 3 के 3 रूट 3 से करेंगे तो माइनस का 27, 4 की 4 से करेंगे तो माइनस का 16, अब 4 की 3 रूट 3 से करें तो माइनस माइनस प्लस का 12 रूट 3। अब नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें 12 रूट 3 और 12 रूट 3 ये तो जाएगा 24 रूट 3, 12 रूट 3 12 रूट 3 कितना होगा 12 रूट 3 12 रूट 3 24 रूट 3। अब 27 में 16 जोड़ दो, 27 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 43, ये बन जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट 3 का स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 3 जब 27 हो गया। अब 24 रूट 3 माइनस 43, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 11। अब माइनस 11 है तो माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, माइनस का 43 प्लस का 43, प्लस का 24 माइनस का 24 रूट 3 और माइनस 11, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11, ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस एलसीएम का फर्क है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम हुई है, बस टेबल से वैल्यू लेनी है और इसमें पुट करके एलसीएम ले लेना है। कहीं पे भी गलती होती है तो एलसीएम में गलती होती है, अदरवाइज ये गलती बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि टेबल से अगर टेबल याद है तो सीधे सीधे एकदम वैल्यू रख देनी है। जैसे 5 cos 60 है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 होता है 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कर दिया। sec 30, sec 30 की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, इसका स्क्वायर कर दिया। tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब sin 30 कितना होता है 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। आप धीरे धीरे इसमें वैल्यू रख सकते हैं अगर नहीं पता चले तो, और फिर उसके बाद स्क्वायर कर देना है। 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 4 4 सेम रहेगा, 3 और 1 1
फोर, फोर बाय फोर वन, देखो वन बाय फोर, थ्री बाय फोर मिलकर क्या हो जाएगा वन, तो ये नीचे का पार्ट टू कट गया, नीचे का पार्ट हट जाएगा क्योंकि वन बाय फोर और थ्री बाय फोर क्या होता है, वन बाय फोर और थ्री बाय फोर है, फोर सेम आ जाएगा तो वन प्लस थ्री क्या हो गया फोर बाय फोर, तो ये तो हट जाएगा वन हो गया, तो नीचे का सारा पार्ट क्या हो जाएगा वन, तो ऊपर वाले को अब सॉल्व करना है, फाइव की वन से इंटू करें फाइव बाय फोर, फोर की फोर से करेंगे सिक्सटीन बाय थ्री, फोर की फोर से करेंगे सिक्सटीन बाय थ्री, माइनस वन का माइनस वन, इसका एलसीएम क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो देखो इसके डिवाइड में फोर है, क्या नहीं है थ्री, तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री की फाइव से करेंगे फिफ्टीन, अब इसके डिवाइड में थ्री है क्या नहीं है फोर, तो फोर की सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करने पर फोर की सिक्सटी फोर, अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो वन, तो थ्री और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा, आ गया, तो 15 में से 12 जाएगा तो प्लस का 3 और 64, 67 बाय 12, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है, जैसे देखिए यहाँ पे पहला पार्ट, इसमें 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री ये दे रखा है, टेबल से वैल्यू रखिए, उनमें से किसी एक ऑप्शन से ये आंसर मैच कर जाएगा, देखो कैसे, देखो 2 tan 30 डिग्री है और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3, tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन रूट 3, तो 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन रूट थ्री होता है टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, टू की वन से इंटू करें टू अपॉन रूट थ्री, ये आ जाएगा वन का वन है, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, रूट थ्री का थ्री, इसका एलसीएम ले लेंगे टू अपॉन रूट थ्री, और नीचे को क्या आ जाएगा थ्री की वन से मल्टीप्लाई थ्री और वन छोड़ थ्री वन जा थ्री और वन फोर, तो क्या आ जाएगा ये फोर बाय थ्री, अब फोर बाय थ्री ये आ गया तो इसे पलट देंगे, देखो टू अपॉन रूट थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर, थ्री अपॉन फोर आ गया तो इसे क्या करें टू से काटे टू बन जाए टू टू जा फोर, तो यह थ्री और टू की रूट थ्री से करें टू रूट थ्री, ये आ गया, अब थ्री का मतलब क्या होता है बताया था आपको, रूट थ्री क्या होता है थ्री होता है रूट थ्री से इंटू करें तो नीचे क्या टू रूट थ्री, तो रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, क्या गया रूट थ्री बाय टू, अब देखो रूट थ्री बाय टू कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, साइन 60, क्या साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, हाँ जी होती है, पहले ऑप्शन मैच कर गया क्योंकि साइन 60 क्या होता है रूट थ्री बाय टू, बाकी किससे मैच ही नहीं करेगा, जैसे कॉस 60 वन बाय टू होता है नहीं हो सकता, टेन 60 रूट थ्री होता है खाली नहीं होगा, साइन 30 वन अपॉइंट टू होता है, तो मैच किससे करना बस पहले वाले से, अगला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी बहुत आसान है, देखो इसमें आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन में टेन 45, वन का वन आ गया, टेन 45 होता है वन, तो वन का स्क्वायर, देखो टेन 45 की वैल्यू वन होती है तो टेन स्क्वायर की वैल्यू वन का स्क्वायर, टेन 45 वन होता है वन का वन, टेन 45 का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो देखो वन का स्क्वायर वन होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, वन में से बन गया जीरो, वन और प्लस वन टू, तो कितना आ जाएगा ये जीरो, तो कौन सा ऑप्शन में जीरो आ रहा है डी में, सीधा टिक, अब ये है, अब इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पुट करके देखते हैं, जैसे अगर मैं जीरो यहां पे रख दूं, देखो जरा साइन ए की जगह जीरो को, तो जीरो की टू से मल्टीप्लाई होगी जीरो डिग्री हो जाएगा, टू साइन ए की जगह क्या रख दूंगा जीरो, ये भी जीरो डिग्री, तो ए की वैल्यू जीरो अगर मैंने यहां पुट कर दी तो जीरो की टू से मल्टीप्लाई जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो की टू से मल्टीप्लाई करें जीरो, तो कौन सा ऑप्शन अपने को बराबर आ रहा है जीरो पे, तो कौन सा आंसर हो गया ए, अब फोर देखते हैं, फोर फर्स्ट की तरह है, जैसे फर्स्ट पार्ट था सेम वैसे, जैसे इसमें है टू टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन रूट थ्री, वन माइनस टेन थर्टी का स्क्वायर है तो वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर आ गया, तो टू की टू रूट थ्री का रूट थ्री, टू की वन से इंटू करेंगे टू और रूट थ्री से करें रूट थ्री आ गया, वन का वन, वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, अब टू अपॉन रूट थ्री एलसीएम लेंगे थ्री बन जाए थ्री, थ्री में घटाएंगे तो टू अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा थ्री वन जा थ्री, थ्री में से ये गया टू, सॉरी टू अपॉन थ्री हो जाएगा, थ्री की वन से इंटू थ्री, थ्री में से बन गया टू, टू बाय थ्री आ गया, अब इसे पलट दो टू अपॉन में रूट थ्री इंटू में थ्री अपॉन टू, टू से टू कट गया तो थ्री अपॉन रूट थ्री आ गया,
अब 3/√3 है तो 3 का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज कर दो इसे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 3√3 हो जाएगा और √3 3 हो गया, 3 से कट गया, आ गया ये √3। अब देख लो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। जैसे देखो क्या दे रखा है, tan a plus b root 3 है, क्या है tan a plus b root 3 है, तो देखो tan की टेबल में root 3 कब आता है, तो tan की टेबल में जो root 3 आता है कब आएगा, tan 60 पर, tan की टेबल में root 3 कब आएगा, tan 60 पर, तो दोनों तरफ tan tan होगा तो tan से tan कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा a plus b की वैल्यू क्या भाई 60 डिग्री। ये हो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, tan a minus b 1/√3, तो tan की टेबल में 1/√3 होता कब है, देखो tan a minus b और tan की टेबल में रूट थ्री होता है 1/√3 tan 30 पर। अब tan दोनों तरफ हो गया तो tan कट जाएगा, तो a minus b कितना आ गया 30। ये होगा सेकंड क्वेश्चन। अब ये एक तरह से दो इक्वेशन हो गए, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को नोट कर लो दोबारा से, a प्लस बी कितना है 60 और a माइनस बी कितना है 30, अगर दोनों को ऐड कर दो बाय एडिंग, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा प्लस बी माइनस बी कट गया, a और a 2a और 30 और 60 90, तो a की वैल्यू क्या होगी 90/2, तो a हो गया 45 डिग्री, a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। अब a हमारे पास आ गया, अब हमें क्या निकालना है b, a की वैल्यू तो आ चुकी है, अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, मर्जी है आपकी, पुट कर दो a इक्वल टू 45 किसमें, इन फर्स्ट, तो a की जगह पे क्या रख देंगे 45, a की जगह रख दिया 45, b का b आ जाएगा, 60 का 60, तो अब b की वैल्यू क्या होगी 60 - 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, तो a कितना हो गया 45 और b कितना हो गया 15, यही हमें फाइंड आउट करना था।